नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा रखी है। देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा होगा जहां से कोरोना से जुड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने नहीं आ रही हों। तस्वीरें भी ऐसी ही सामने आ रही हैं जिसे देख हर कोई डर गया है, तो किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ पर भी हालत काफी खराब है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन कानपुर में जो हुआ उस घटना ने तो सभी को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, दरअसल कानपुर के सफीपुर के रहने वाले व्यापारी कीर्ति त्रिवेदी को कोरोना हो गया था, जिसका एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने पर भी ना तो उन्होंने ऑक्सीजन दी गई और ना ही उनका ठीक से इलाज किया गया, जिससे उनकी जान चली गई। कीर्ति की मौत से घर में मातम पसरा हुआ था कि इसी बीच कीर्ति त्रिवेदी की मौत से सदमे में आई उनकी पत्नी अंजलि ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत ही अंजलि को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कीर्ति और अंजलि की मौत के बाद अब उनके 6 साल के बेटे के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस दर्दनाक घटना से पूरा परिवार भी टूट गया है, बल्कि अब परिजनों ने नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एक तरफ योगी सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल ना सिर्फ सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहा है। तो इन प्राइवेट अस्पतालों के इस तरह के रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।